हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर काफर सेलर से मोली ट्रेडी लीडरशिप। गाइस आज वाली वीडियो में आप लोगों को स्पीड टेस्ट के बारे में बताने वाला हूं, जो कि अपडेट आप लोगों को थोड़े दिन में मिलने वाले हैं। उसके साथ साथ ट्रैफिक बोर्ड के बारे में भी बताने वाला हूं। और गाइस आप लोगों को मैंने कल वाली वीडियो में बोला था कि गाइस आप लोगों को कोई दो रेड सुपर कार्स का जो नाम फाइंड करने, जिसके अंदर आप लोगों को मैंने फाइंड करने बोला था, आप में से बहुत लोगों ने उसको फाइंड कर लिया। तो गाइस उसके नाम भी जो आपको आज वाली वीडियो में बताने वाला हूं। तो गाइस देरी किस बात की, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते। स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पे नहीं हो तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ओके तो गाइस मैंने आप लोगों को कल वाली वीडियो में बोला ही था कि गाइस आप लोगों को नाम जो है सिलेक्ट करना है, कि आपको फाइंड करना है। आप में से बहुत लोगों ने कमेंट करके बता दिया। तो गाइस अब मैं आप लोगों को वो चारों रेड सुपरकार्स का नाम बता ही देता हूं। दो का तो नाम बता ही दिया था, जिसके अंदर लैम्बोर्गिनी एवेंटर थी और दूसरे में थी बुगाटी चिरोन। गाइस अब तीसरी और चौथी की रेड सुपरकार की जो आपको नाम नहीं बताया था, तीसरी में है सुपरा MK4 और उसके साथ साथ चौथे में ये कि हमारे गेम के अंदर मर्सिडीज A1 को भी ऐड किया जा रहा है। A1 नहीं गाइस, A1 है, वो भी बहुत ही ज्यादा फास्ट है, सुपर कार है मेरे हिसाब से। पर गाइस जो मर्सिडीज A1 है ना, ये शायद तक ही ऐड होने वाली है। इसके जगह पे कोई और रेयर कार को भी ऐड किया जाएगा और भी बहुत सारे ऐसे सुपर कार्स है जो कि हमारे गेम के अंदर नहीं आए, तो वो भी आ सकते हैं। तो गाइस ये सारे सुपर कार्स की जो है मैं बहुत ही ज्यादा वेट करना हूँ, क्योंकि गाइस ये जो जैसी अपडेट आएगी ना, मेरे को उसको अपडेट करना है। क्योंकि गाइस इस गेम के अंदर जो चार रेड सुपर कार्स थी, जो कि गाइस हमको पता ही है, निसान चीटियर, डॉज वाइपर, फरारी XXX और माजदार X7, ये चारों रेयर कार्स जो मेरे को मिल चुके। पर गाइस मैं जो अपनी जो है डॉज वाइपर को खो चुका हूँ, जिसको भी मैं जो फटाफट से ले लूंगा, जो कि गाइस उसकी मैं बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा हूँ। पता नहीं वो मेरे साथ कैसे निकल गए। मैं कैसे एक ड्रैग रेस किया था, जिसके अंदर मैंने बैटिस कार किया था डॉज वाइपर वर्सेस डॉज वाइपर, जैसी वहां पर ड्रैग रेस हुई उसके बाद जो है मैंने सेव कर दिया गेम को और मैं बंद करके निकल गया। तो गाइस उसके बाद जो है मेरी डॉज वाइपर खो चुकी थी, तो मैं बहुत ही ज्यादा नाराज हो चुका था कि मेरी जो कार थी वो खो चुकी थी। तो गाइस मैंने सोचा क्यों नहीं अभी गाइस अपडेट्स आएंगे तो उसके अंदर जो है फटाफट से जो है मैं और भी रेयर कार्स को जो लगाएंगे ना गेम के डेवलपर, तो गाइस अपन जो इसको भी फाइंड कर ही लेंगे। तो गाइस उसको भी मैं अभी ढूंढने में लगा हूं, तो गाइस वो भी मेरे को अभी नहीं मिल रही है, उसको भी मेरे को टाइम लग सकता है। तो मिल जाएगा तब गाइस मैं आप लोगों को बता दूंगा, आप लोगों को पता ही है। तो गाइस फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि गाइस जो है 5K सब्सक्राइबर्स जो आप लोगों को फटाफट से कंप्लीट कराना है। क्योंकि गाइस मेरे तरफ से आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा छोटा सा एक मतलब छोटा सा एक जो है सरप्राइज है, तो फटाफट से 5K सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट करा देना। ओके तो गाइस अब बात करते हैं स्पीड टेस्ट के बारे में। तो गाइस आप में से बहुत लोग ये होंगे कि गाइस गेम को जो अभी अभी न्यूली डाउनलोड कर रहे हो, उनको बिल्कुल भी स्पीड टेस्ट के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, एक जो गाइस आप लोगों को पता है कि गाइस पेट्रोल पंप जो हमारे गेम के अंदर है ना, उसके बाजू में मतलब गाइस यहां पर जो गैरेज के बाजू में ना, आप लोगों को एक छोटा सा एक ट्रक देखने को मिलेगा, उसके ऊपर आपकी गाड़ी को आपको चढ़ाना पड़ेगा। चढ़ाने के बाद जो आपकी गाड़ी को ना मतलब कि गाइस दूसरे मैप पे लेकर जाना पड़ेगा। मतलब बाजू में जो एक बंदा खड़ा रहेगा, उसके ऊपर क्लिक करते ना, टॉप पे क्लिक करते ही आप लोगों को दो जो है मैप सेलेक्ट करने को मिलेगा, एक रहेगा डेजर्ट और एक रहेगा फॉरेस्ट। उसमें से आप किस में भी जा सकते हो। जाने के बाद एक दो आप लोगों को पूरी की सीधा जो आप लोगों को ट्रैक देखने को मिलेगी, जिसके अंदर आप जो है $10 या $20 में इजिली वहां पर जा सकते हो। जाने के बाद आपको कुछ नहीं करना, जाने के बाद जो फटाफट से आपकी गाड़ी को ट्रक एंड ट्रेलर से नीचे उतारना है। नीचे उतारने के बाद आप अपनी गाड़ी को जो प्रॉपर टॉप स्पीड इजिली चेक कर सकते हो। मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड इस अपडेट को लेकर, क्योंकि ये अपडेट मेरे को बहुत ही जल्द चाहिए, क्योंकि मैं भी जो है अपनी निसान GTR, फरारी XXX, डॉज वाइपर, माजदा X7 ऐसे चारों रेयर सुपरकार्स की स्पीड चेक करने वाला हूं कि उसकी प्रॉपर टॉप स्पीड कितनी है। क्योंकि मैंने अभी तक अपनी निसान GTR की प्रॉपर स्पीड टेस्ट नहीं की है, क्योंकि गाइस जैसे मैं उसको थोड़ा बहुत 220 तक भगाता हूं, तो कोई ना कोई टर्निंग आती आ जाती है, नहीं तो आगे कोई घर आ जाता है, नहीं तो अपनी ऑफिस आ जाती है, कुछ ना कुछ आ जाती है। तो इसकी वजह से मैं अपनी उसकी प्रॉपर जो स्पीड टेस्ट नहीं कर सकता। आप उसको भी इजीली चेक कर सकते हो। उसके साथ साथ आप 0 to 100 वो कितने सेकंड्स में टच कर रही हो आप इसको, उसको भी इजीली जो आप चेक इजीली कर सकते हो। मैं तो इस अपडेट को लेकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, आप कितने एक्साइटेड हो कमेंट करके जरूर बताना। पर गाइस आप में से बहुत लोग ये कमेंट कर रहे हो कि आप जो है पूरी की पूरी फेक न्यूज बता रहे हो, ये जो हमारे गेम के अंदर जो स्पीड टेस्ट नहीं आने वाली थी। आप लोगों को पता है कि मैं जो है एक महीने से बोल रहा था कि हमारे गेम के अंदर ऑफिस रेट मोड आएगा आएगा आएगा, और गाइस वो जो फाइनली वो अपडेट आ चुका है। अगर आप लोगों को नहीं पता, आप जो मेरे चैनल में जाके वीडियोस देख सकते हो कि ऑफिस रेट मोड आ गया। आप लोगों में बस ऐसे कमेंट करते हो। गाइस अभी जो स्पीड टेस्ट भी जो हमारे गेम के अंदर आने वाली है, बस थोड़े दिनों में उसकी भी अपडेट
देखने को मिल जाएगी, जो कि इसका भी प्रोसेस हो रहा है, पूरा का पूरा इसके ऊपर भी काम चल रहा है। बस वो जो दो भी अपडेट आप लोगों को थोड़े दिन में देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस अब बात करते हैं हमारे गेम के अंदर ना, जो ये ट्रैफिक मोड का मतलब क्या है। ट्रैफिक मोड का मतलब ये कि गाइस ट्रैफिक मोड में से आप लोग बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि ट्रैफिक मोड एक दूसरा एक मैप है जिसके अंदर जाके हम अपने ट्रैफिक के साथ कुछ भी खेल सकते हैं। नो गाइस, ऐसा कुछ नहीं है। उसी मैप के अंदर आप लोगों को ट्रैफिक देखने को मिलेगा, जैसे कि आपको यहाँ पे आजू बाजू में जितने अगल बगल में जितने भी घर दिख रहे ना, वो भी अपने कार्स को लेकर बार घुमा करेंगे, ताकि गाइस आप लोगों को ये फील हो कि हमारे सिटी में, मतलब गाइस एक विलेज आप कोई भी कुछ भी मान सकते हो, इसके हमारे अलावा कोई और भी यहाँ पर रहता है जो कि अपने कार्स को लेकर जो यहाँ पर रोड्स पे जो इजीली आप वहाँ पे जो आप ड्राइव करेगा, आपको वहाँ पे उसको अगर आप उसको ठोकते हो ना तो उसकी गाड़ी भी ठूकी, आपकी गाड़ी भी ठूक सकती है। तो गाइस अब जो डैमेज जो है हमारे गाड़ी का वो ज़्यादा हो जाएगा। अभी तो कोई भी ट्रैफिक नहीं है, तो ईजिली आप लोग जो अपनी कार्स को ईजिली बहुत ही ज़्यादा भगाते हो, तो उसके बाद जो आपका जो गाड़ी बहुत ही ज़्यादा ठुकना जो है वो हो जाएगा। और उसके बाद जो है हमारे गेम के अंदर नीचे आप लोगों को जितना भी ग्राउंड में ग्रास जैसा दिख रहा हो, उस ग्रास को हटाया जाएगा, और गाइस जो है थोड़े बहुत छोटे छोटे मतलब गाइस बड़े बड़े ग्रास को लगाया जाएगा। उसके बाद जो है और भी बहुत सारे ट्रीज जो है हमारी गेम के अंदर लग जाएंगे, जो कि गाइस आप लोगों को ग्राफिक्स में ही पता चल जाएगा कि हमारी गेम के ग्राफिक्स चेंज हो ही जाएंगे। और गाइस आप लोगों को एकदम कॉर्नर कॉर्नर में दिख रहा होगा कि हमारी गेम के जो गाइस एकदम कॉर्नर में जो पहाड़ दिख रहे ना, वो कार्टूनिश लग रहे, एकदम ऐसा लग रहा है कि कार्टून है। तो गाइस उसको भी पूरा का पूरा रियल कर दिया जाएगा, ताकि गाइस एकदम रियल लगे। अगर कोई भी न्यू इस गेम को डाउनलोड करना है तो गाइस उसको मजा आ जाए। और गाइस ये अपडेट जो है आप लोगों को गाइस अब मैं बता देता हूँ कि कब आने वाली है। ये अपडेट आप लोगों को बस कुछ ही दिन में देखने को मिलने वाली है, जो कि मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस जो है अपडेट को लेकर, जो कि गाइस मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आप कितना एक्साइटेड हो कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस आज वाली वीडियो में पूरे के पूरे अपडेट्स के बारे में बता दिए, और गाइस हमारी गेम के अंदर स्पीड टेस्ट के बारे में बता दिया, और गाइस चार रेड सुपर कार्स के नाम भी बता दिया, जिसके अंदर मर्सिडीज A1, और गाइस यहाँ पे हमारी गेम के अंदर जो एक और आइडिया रही है वो है बुगाटी चिरोन, लैम्बोर्गिनी एवेंटर और गाइस सुपरा MK4। ये सारे रेड कार्स के नाम कैसे लगे आप कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस आज वाली वीडियो बिल्कुल भी अच्छी लगती है तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय गाइस।